हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज बात करते हैं बहुत अच्छी डाई की। और इसमें आज की जो डाई है इसमें मैं बहुत अच्छा सा एक आपको रूट टचअप बताऊंगी। रूट टचअप क्या होता है, जैसे आपके बाल जड़ों से सफ़ेद दिखाई देते हैं, जैसे बहुत लोगों का यहाँ पर व्हाइट बाल होते हैं, ये यहाँ पर बीच की मांग होती है, जैसे यह साइड की मांग होती है, जो लोग निकालते हैं उनके जड़ों से व्हाइट दिखाई देते हैं बाल। तो आज हम जो रूट टचअप बना रहे हैं वो उन बालों को बहुत ही जल्दी कवर करेगा। और इसको आप 1 से 2 बार लगाएंगे तो आपके जो जड़ें हैं ना वो बिल्कुल बालों के कलर के साथ मैच हो जाएंगी। और इसमें मैं सिर्फ 2 ही इस्तेमाल करूंगी, एक बहुत अच्छा सा सीरम मैंने बनाया हुआ है और दूसरा मैं इसमें एक बहुत ही अच्छा पाउडर इस्तेमाल करूंगी। दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं बालों के लिए, लंबे टाइम तक बालों को कलर देकर रखते हैं। और इन चीजों को अगर आप, जैसे मैं आज आपको बता रही हूँ, अगर इसे आप हफ्ते में 1 बार पूरे बालों में लगा लेते हैं और हफ्ते में 1 बार आप इसे जड़ों में लगा लेते हैं तो ये आपको सर्दियों में कम से कम भी 15 से 20 दिन तक आपके सफेद बाल बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि ये दोनों चीजें बालों को जड़ों से बहुत ही जल्दी काला बनाने का काम करती है और लंबे टाइम तक काला बनाकर रखती है। ऐसे नहीं कि अगर आप आज लगाएंगे तो कल शैम्पू करेंगे तो कलर निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोनों का बहुत ही ज्यादा पक्का कलर आता है और बहुत ही अच्छा कलर आता है इसका। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे इंस्टेंट बनाकर आप 5 से 10 मिनट में लगा सकते हैं। और इसे लगाने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा आप इसे बालों में जरूर रखिएगा। अगर बहुत ज्यादा व्हाइट बाल है तो 1 घंटा रख लीजिएगा, शावर कैप लगा लीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो वो सब चीजें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा मैंने आपको क्या बताया है और कितना कितना आपको क्या मात्रा में लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट बहुत अच्छा सा रूट टचअप बनाना। लेकिन प्लीज उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। और दूसरी बात, जो लोग बिना बिना ही यूज़ किए डिसलाइक कर देते हैं तो प्लीज़ मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, आप किसी की मेहनत को ऐसे डिसलाइक नहीं कर सकते हैं। आप एक बार अच्छे से चीज़ को इस्तेमाल कीजिए, आपको कितना फ़र्क पड़ा है उसके बाद आप कमेंट करके बताइए। अगर नहीं आपको यूज़ करने में दिक्कत आ रही है तो आपके बालों में अच्छे से कलर नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए, तो हम और अच्छा सा आपको तरीका बताएंगे। क्योंकि मैं तो जो आपके साथ चीज़ें शेयर करती हूँ वो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा बेटा 12th में पढ़ता है और मेरे भी काफ़ी हद तक व्हाइट बाल है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे मेरे बालों को मैंने इतना अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है, कोई भी यही नहीं कह सकता कि मेरे व्हाइट बाल हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत बार आपको दिखाया भी है, आप मेरे चैनल पर पीछे जाके देखेंगे तो मैंने बहुत सारे वीडियो में दिखाया कि मेरे कितने ज़्यादा व्हाइट बाल हैं। एक बार मैंने 1 महीने तक किसी भी डाई का इस्तेमाल नहीं किया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था मेरे कितने ज़्यादा व्हाइट बाल हैं। लेकिन मैं अपने बालों को इतना अच्छा मेंटेन करके रखती हूँ कि कोई भी नहीं कह सकता। और बहुत बार तो कई बार तो ऐसा होता है कि जो मैं देखती हूँ कि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा व्हाइट बाल हैं और वो थोड़े टाइम बाद ब्लैक निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर्बल चीज़ें बहुत जल्दी बालों को असर देती हैं। तो ट्राई जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट बहुत अच्छी सी रूट टचअप डाई, झटपट से बहुत ही अच्छा इंस्टेंट सा एक नुस्खा बनाते हैं जो आपके सफेद बालों को बहुत जल्दी काला बना दे। तो उसके लिए देखिए मैं ले रही हूँ साफ बर्तन। साफ बर्तन लेना है आपको, बिल्कुल कांच का बर्तन ले लीजिए, स्टील का बर्तन ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब उसमें हम क्या करेंगे, दूसरी चीज हम इसमें डालेंगे। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ इसमें सबसे ज्यादा जरूरी, जो सॉरी मैं भूल गई हूँ, ये मैंने बनाया हुआ है सीरम आंवला और शिकाकाई का। तो आप इस तरीके से पहले सीरम बना लीजिएगा, देखिए ये गर्म है, इसमें से हीट निकल रही है, अभी भाप निकल रही है तो ये गर्म है, मैंने अभी इंस्टेंट बनाया है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंवला और शिकाकाई लेना है, अच्छे से पका लेना है, क्योंकि आंवला बहुत ही जल्दी जड़ों को काला बनाने का काम करता है। तो देखिए अब हम इसे कैसे बनाएंगे बहुत अच्छी सी इंस्टेंट हेयर डाई, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये लेना है आपको काला कत्था का पाउडर। काला कत्था आपको कहीं भी किराना स्टोर पर मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी इसे ले सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करूँगा, आप इसे आराम से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। क्योंकि ये नॉर्मल दुकानों पर बहुत ही कम मिलता है और थोड़ा कॉस्टली भी आता है, लेकिन इतना भी नहीं आता है कि आप अपने बालों के लिए ना खरीद सकें। तो चलिए अब इसे कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ आप इसमें 2 ही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ये मैं ले रही हूँ अपने बालों के हिसाब से काला कत्था, क्योंकि इसे हम जड़ों में अप्लाई करेंगे। आप इसे पूरे बालों में आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पूरे बालों में लगाना आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। एक ही पैकेट आप पूरे बालों में अप्लाई कर सकते हैं इसका वैसे तो, लेकिन ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए आप इसे जड़ों से ही स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि पूरे बालों की जो लेंथ होती है उसके लिए आपके पास बहुत सारी रेमेडी जो मैंने आपको बताई है। तो रूट टचअप बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जिन लोगों के सफ़ेद बाल होते हैं उन्हें लगता है कि हमारे बाल जड़ों से काले नहीं हो सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है, वो अपनी जड़ों को काला बना के रख सकते हैं इस तरीके से। तो ये मैंने ले लिया है 2 चम्मच काला कत्था, इसमें हम डालेंगे जो हमारा आंवला का सीरम है वो इस तरीके से, और ये एकदम से कलर नहीं छोड़ता है। इसको पेस्ट बनाकर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कम से कम आपको 15 से 20 मिनट रखना पड़ता है, 15 से 20 मिनट बाद ही ये कलर प्रोवाइड करता है आपके बालों में। तो देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम,
और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल काला हो चुका है एकदम, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इसमें जितना आप इसे मिक्स करके 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे तो बिल्कुल एकदम ये पेस्ट की तरह हो जाएगा। तो उसके बाद आप इसे बालों में अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए हमारी जो डाई है वो बिल्कुल बनके तैयार हुई। ये बहुत ही अच्छी इंस्टेंट हर्बल हेयर डाई है जो आज मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए अब इसे बालों में अप्लाई करते हैं। अभी तैयार है, अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसे बिल्कुल सफ़ेद बाल हैं, सफ़ेद बाल में ब्रश की सहायता से अच्छे से लगाइएगा। अच्छे से लगाने के बाद पूरा कवर कर दीजिएगा और लगभग 10 से 15 मिनट बाद आप इस सिर को वॉश करेंगे तो आपके बाल काले हो जाएंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा।